गाइज वेलकम ऑन मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। हम 2021 में जो जनरल साइंस का पेपर है यूपीएससी का पेपर नंबर 1 उसको सॉल्व कर रहे थे। इसको हमने 4 वीडियो में बांटा है। वो वीडियो हम पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर अपना वीडियो देख लेना। और इस वीडियो में हमारे 25 क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी वीडियो है, रुचि आकर तक देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए हम शुरू करते हैं। क्षेत्र से लेकर 100 तक के क्वेश्चन स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज के लिए जो टर्म लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। इसकी राइट ऑप्शन है डी, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। ये हिंदी में दिए हुए पहले और इसके बाद ये इंग्लिश। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। नंबर 1, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोर्जियन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। नंबर 2, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंटिलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। राइट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 and 2। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी राइट ऑप्शन है आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नंबर 2, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्रीदेवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नंबर 3, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ ए कैंडिडेट कंटेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिज और हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituencies. Iski right option hai 2. With reference to the union government, consider the following statements. N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. Number 2, in 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendations of the Administrative Reforms Commission 1966 and this was placed under the Prime Minister's charge. और इसकी राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ हिंदी में दिए हुए हैं और इसके बाद ये इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द UN Habitat monitors the commitments made by each country in this regard. Number 2, right to the city gives every occupant of the city the right to reclaim public spaces and public participants in the city. Participation in the city. Number 3, right to the city means that the state cannot deny any public services or facility to the unauthorized colonies in the city. Which of the स्टेटमेंट गिवन above इज आर करेक्ट। इसकी राइट ऑप्शन है सी, 1 and 2 आर करेक्ट। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन ए प्रिजनर मेक्स आउट ए सफिशियंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स ए मैटर ऑफ हिज और हर राइट। नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज आर करेक्ट। इसकी राइट ऑप्शन है बी, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। नंबर 2, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज आर करेक्ट। इसकी राइट ऑप्शन है बी, स्टेटमेंट नंबर 2, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers recognition of the forest rights act 2006 a ministry of environmental forest and climate change ministry of panchayati raj ministry of rural development ministry of tribal affairs right
ऑप्शन इज डी, क्योंकि ये जो एक्ट है ना ये देखो ट्राइबल से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसकी राइट ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी राइट ऑप्शन है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में आएंगे क्वेश्चन और इसके बाद ये इंग्लिश में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर। इसकी राइट ऑप्शन जो है ना पहली ही है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर टू, ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज, जैसे सुप्रीम कोर्ट करती है हाई कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। इसकी राइट ऑप्शन है सी, बोथ वन एंड टू दोनों ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, स्क्रॉल कर लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट, ये चार डेफिनेशन दी हुई हैं, इनमें से कौन सी डेफिनेशन जो है स्टेट को अच्छे से डिफाइंड करती है। एक ही पहली ऑप्शन है, ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजिसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, राइट ऑप्शन ए। 89, विद रेफरेंस टू द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ए सिटीजन बाई बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। नंबर थ्री, ए फॉरनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, एक बार किसी को नागरिकता दे दी तो दोबारा उसको नहीं छीन सकती। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो इज आर करेक्ट, इसकी राइट ऑप्शन है ए, देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, यही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी, इसकी राइट ऑप्शन है डी, सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये राइट ऑप्शन है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स विल बी हो एंड कुई पर्टेंस टू, किस लैंग्वेज से प्रटेंड करते हैं, ट्राइबल लैंग्वेज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, इसकी राइट ऑप्शन है बी, लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, राइट ऑप्शन है बी, ए सोवर्जियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। नंबर वन, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18 का सबसेक्शन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नंबर टू, पद्म अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। नंबर थ्री, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर, इसकी राइट ऑप्शन है डी, 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में आया है इसका, इसके बाद इंग्लिश में आएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF एंड द आर्बोर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज हैदराबाद एज 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड। स्टेटमेंट टू, हैदराबाद वाज सेलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर ए ईयर following its commitment to grow and maintain the urban forest. Which one of the following is correct in respect of the above statement? इन चारों स्टेटमेंटों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे तो डी इज ए राइट ऑप्शन, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 32nd समर ओलंपिक,
नंबर वन, द ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक्स इज ए न्यू वर्ल्ड। नंबर टू, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक। विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसकी राइट ऑप्शन है बी, टू इज करेक्ट। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक। पहले ये नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000। नंबर वन, अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड। नंबर टू, द अवार्ड वॉज रिसीव्ड मोस्टली बाई फॉर्मूला वन प्लेयर सो फार। नंबर थ्री, रोजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स। विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसकी राइट ऑप्शन है सी, वन एंड थ्री आर करेक्ट पर टू इज रॉन्ग, हेंस सी इज राइट ऑप्शन। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आते हैं ये जनरल साइंस पेपर वन में यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। नंबर वन, द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वन। नंबर टू, न्यूजीलैंड वॉज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। विच ऑफ द अबो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। की राइट ऑप्शन है डी, ना तो एक ही ना दूसरा, कोई सा सही नहीं है। इज आर करेक्ट, नाइदर वन और नोर टू, कोई सा भी सही नहीं। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे और डाउट को दूर करेंगे। ये लास्ट में ये आई है इंस्ट्रक्शन जो इंग्लिश में दे रखी। गाइस, आज हमने 100 बहुत ही शानदार क्वेश्चन किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा सेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपका डाउट दूर करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे तीनों चैनलों को, एडुटेक्नो मित्रा, एमजे मित्रा, एडुला मित्रा को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस से फायदा उठा सके। थैंक यू, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी पेशेंस के साथ।